चाय में बिस्किट या बिस्किट में चाय, आपकी क्या चॉइस, पूरा वीडियो देखो। Hi guys, welcome back to my channel Water Foodie Girl. I am Disha and ये जो जगह पे मैं आपको लेके आई हूँ, इसका कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा अच्छा है, जीरो वेस्ट, नो थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। क्या है ये चीज़, ये मैं आपको बताऊंगी। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। यार आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? ऑल्सो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी मुझे फॉलो करो, लिंक इज डाउन। एंड मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, बिकॉज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ जो शायद मुंबई में पहली बार आई है, शायद भी नहीं, एक्चुअली मुंबई में पहली बार ही आई है ये चीज़। एंड यू विल बी शॉक्ड टू सी व्हाट इट इज। एंड दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल द चाय लवर्स, चाय 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 लवर्स। Here we go. आप शिवसेना भवन से स्ट्रेट 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 जाओगे, फिर पहला राइट लोगे टूवर्ड्स द ग्राउंड। सो आपको ये ग्राउंड का गेट दिख रहा है, यहाँ से आप लाइट लोगे और आप लोग सीधा 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 जाओगे और आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जिम दिख रहा है, तो जिम के सामने ये खड़े रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम आशुतोष, मेरा नाम आशुतोष मोतीलाल चौधरी है। क्वालिफिकेशन में टेलीकॉम इंजीनियर हूँ और ये स्टार्ट पोजिशन पे हुआ है कि हमारा बड़ा टिफिन का स्मॉल स्टार्टअप था घर से, फिर कुछ ना कुछ आगे बढ़ने से पोजिशन चाय के अनुसार हम आगे बढ़े थे। हमारा नाम ये था कि चाला बेन से कौन वेरा चाह रहा हूँ, चाह हुआ तो हमारा कॉन्सेप्ट ऐसे कि आप कभी भी चाय पीते मान, फिर कैसे बिस्किट थी आपका नॉर्मल पेपर कप या प्लास्टिक कप में रहता है, आप करते चाय पीते और कप कहीं भी फेंक देते या डस्टबिन में फेंक देते, तो उसका वेस्ट भी बहुत जनरेट होता है। फिर वो वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए छोटा सा हमारा स्मॉल स्टार्ट है, जिससे हमने बिस्किट कप लाया, यानी कि आप चाय पिए तो बिस्किट का कप भी खा सकते हैं, एनवायरमेंट एकदम जीरो वेस्ट होगा। वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। आपका टाइमिंग क्या है? टाइमिंग मॉर्निंग, ये पहले लोकेशन पता बता दूंगा आपको, शिवाजी पार्क ओपन जिम्नासियम के सामने हम यहाँ पे खड़े रहते हैं। मॉर्निंग 8 to 9:30 तक रहता है, फिर शाम को 5 to 7 तक रहता है, उसे चाय खत्म होने से वाइंड अप करते हैं। तो चाय वगैरह कैसे आते हैं आपके पास? चाय पापा बनाते हैं, एक पापा मेट्स है और फिर पापा को बहुत चाय पसंद है, वो मतलब वो चाय के स्पेशलिस्ट हो गए हैं। तो क्या क्या टाइप की चाय आपके पास? मेरे पास 2 फ्लेवर की कप है, कोको फ्लेवर कप है और इलायची फ्लेवर की कप है और स्टैंडर्ड फ्लेवर। पहले अपन सैनिटाइजर करेगा ये जाएगा। सैनिटाइज इज ना इज़ अ मस्ट, बिकॉज जब आप तो यहाँ पे पेपर कप वगैरह कुछ भी नहीं है तो आप डायरेक्टली हाथ से लेते हो, तो मेक श्योर यू सैनिटाइज योर हैंड एंड देन टेक द टी कप। सो गाइस दिस इज द नॉर्मल कप, ये जो चाय आपको मिल रही है वो नॉर्मल वाली है, पर हम फ्लेवर वाला भी आपको आगे दिखाएंगे। सो लेट्स ट्राई दिस, इलायची फ्लेवर की है। हे इलायची फ्लेवर है? ओह ओके ओके, सो दिस इज द इलायची फ्लेवर। ओके बहुत ही अच्छी चाय है, जो घरेलू चाय बोलते हैं ना वैसी है। दिस इज सो नाइस, मसाला चाय है ना ये विद इलायची। तो जो बिस्किट का जो फ्लेवर है इलायची का वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है, एंड जो चाय का फ्लेवर है वो ऑटोमेटिकली बिस्किट के अंदर आ जाता है। सो एक आई विल सजेस्ट कि आप पूरा चाय पी लो उसके बाद बिस्किट खाना, उसके बाद आप लोगों को दोनों का फ्लेवर आ जाएगा एक साथ। सो है कोको फ्लेवर है ना? ओके ठीक है। ओ कोको फ्लेवर साठी हे चॉकलेट घालणार, हे चॉकलेट थी। कोको फ्लेवर्ड टी, चॉकलेट फ्लेवर, जैसे आप लोगों ने देखा चॉकलेट सॉस डाला है, सो यहाँ पे भी चॉकलेट है, तो जब आप सिप लेते हो तो आपको चॉकलेट और चाय दोनों का मिक्स आता है। सो लेट्स ट्राई दिस, वेरी
बहुत ही अच्छा टेस्ट है, सेम टेस्ट, बट वो जो चॉकलेट का फ्लेवर देता है ना, इट इज मराठी मध्ये बोलता ना अप्रतिम फ्लेवर आहे. सो ये जो चाय है, अगर आप वंडर कर रहे हो कि कितना मिनट अगर ये कप में रहेगा, 8 to 10 minutes ये कप के अंदर रहेगा, फिर वो सॉगी होना शुरू हो जाएगा. सो आप जल्द से जल्द पी लो और फिर कप भी खा लो. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आप लोगों को ये बताना है कि चॉकलेट फ्लेवर कप इज फॉर 20 rupees एंड इलायची एंड नॉर्मल फ्लेवर टी इज फॉर 15 rupees ईच. सो गाइस कप चाय खत्म हो गई, अब ये हम खाते हैं. कप में ना एकदम कोको फ्लेवर आ रहा है, अब चाय का तो टेस्ट इसके अंदर इन्फ्यूज हो ही गया है क्योंकि मैं बहुत टाइम तक ये चाय इसके अंदर थी. सो दिस इज जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट एंड रियली रियली गुड कॉन्सेप्ट. सो सेव एनवायरमेंट एंड हैव टू कप फ्रॉम आपके पापा को बोला इनकी चाय सुपर हिट है और आपका ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है. आई थिंक लोगों को ये कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए हर जगह जहाँ पे आप जीरो वेस्ट यूज करते हो. जैसे कि मैंने बैंगलोर में देखा है कि फ्रूट के अंदर वो जूस डालते हैं तो वो एक जीरो वेस्ट हो जाता है. ये कॉन्सेप्ट मुंबई में मैंने पहली बार देखा है. एंड एक चीज़ मैं बताती हूँ, चाय लवर के लिए ये जगह सबसे बेस्ट है. और अब चाय की टपरी आप खोल सकते हो, वो सुपर हिट होती है क्योंकि मुंबई वाले चाय के लिए पागल है. सो थैंक यू सो मच मिस्टर चौधरी फॉर जॉइनिंग मी इन फॉर वाटर फूडी गर्ल. एंड आप लोगों को स्वादिष्टम में आना ही चाहिए. अगर आप मेरे चैनल से आते हो तो मिस्टर चौधरी को बता देना कि आप वाटर फूडी गर्ल के अकाउंट से यहाँ पे आए. सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल द प्रिकॉशंस क्योंकि मुंबई में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. सो मेक श्योर यू सैनिटाइज योर हैंड एंड हैव अ मास्क ऑन ऑल द टाइम. बट डू नॉट मिस द टी कप, चॉकलेट फ्लेवर टी कप मेरा फेवरेट था यहाँ पे बिकॉज चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है. तो चाय और चॉकलेट का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था. सो मेक श्योर यू कम हियर एंड से हाई टू मिस्टर चौधरी. बाय बाय, टेक केयर.